आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जी कैसी लगी? जबरदस्त, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। रहेगा। उम्र का असर जरूर दिखता है, लेकिन एक्टिंग लाजवाब। 2001 में जो मूवी आया था ना, उससे भी सुपर हिट यह मूवी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए गदर जो 2001 में 15 जून को रिलीज हुई थी, जिसमें सकीना का और तारा सिंह का जो अभिनय है वो देखने लायक था। उनका जो अभिनय है बहुत अच्छा था। कैसी मूवी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अभिनय है, बहुत साल के बाद जो सकीना ने फिर से अभिनय किया है, तो क्या वो अपनी एक्टिंग को यहाँ पे दिखा पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बढ़िया। वही एक्टिंग है। हाँ जी, पिछली बार हैंडपंप उखाड़ा था, इस बार क्या उखाड़ा? इस बार हैंडपंप तो बच गया। और क्या उखाड़ा? पूरा पाकिस्तान लिया है उखाड़ा। जी कैसी लगी? जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल सन्नी देओल उसी अवतार में, उसी अवतार में, बिल्कुल जबरदस्त। पूरा पैसा वसूल, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। रहेगा, बिल्कुल। क्या लेकर आए? उम्र का कोई असर सन्नी देओल पे नहीं दिखा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। जबरदस्त मूवी। जो एक्टिंग है सकीना की, क्या वैसी ही है जो जैसी पहले थी? न्याय कर पाई? उम्र का असर जरूर दिखता है, लेकिन एक्टिंग लाजवाब, बिल्कुल वही सकीना आपको न्याय कर रही है। वही सकीना मिलेगी आप। अच्छा, इस मूवी में बोला जा रहा था सकीना जो है वो लास्ट में मर जाएंगी, मृत्यु का सीन है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ र्यूमर था। र्यूमर था, बिल्कुल। सकीना वैसे ही आपको दिखेगी। मैंने कहा उम्र का असर जरूर है, लेकिन सकीना वर्जिनल, वही सकीना आपको दिखेगी। कितनी देशभक्ति है? देशभक्ति जितनी देशभक्ति समय आपके दिलों में है, उससे कहीं ज्यादा मूवी देखने के बाद दिल में देशभक्ति होगी। आज ये मूवी ओपनिंग थी, आने वाली 15 अगस्त के बाद आप इस मूवी का जो है जब पीक देखेंगे, अभी 2 दिन नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद मूवी पीक पे जाएगी, झंडे गाड़ देगी हिंदुस्तान में, जैसे 21-22 साल पहले गदर निगाड़ा था, वैसे ही गाड़ेगी झंडे। सन्नी क्या लेने गए थे मूवी? सब इस बार अपने बेटा को जलाने गए, इतना सबसे अच्छा मूवी, सब सुपर हिट मूवी है। पिछली बार हैंडपंप उखाड़ा था, इस बार क्या? इस बार हैंडपंप को नाम सुनते सारे भाग गए, पूरे पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तानी, जैसे उखाड़ा था पूरे पाकिस्तानी भाग गए। सबसे मस्त मूवी था, 2001 में जो मूवी आया था ना, उससे भी सुपर हिट यह मूवी है, मस्त मूवी है। हिला रखा इसमें एक्टिंग पूरी, हर चीज एकदम सुपर हिला रखा, 100% लायक है मेरी तरफ से। उम्र का असर के साथ साथ क्या जो एक्टिंग है, जो उनका अभिनय है, उसके साथ न्याय कर पाए हैं सकीना और तारा से? आपको कहते सबसे अच्छी मूवी है, सबसे देखने में हम लोग कितनी दिल से, हमारे हम गर्व है कि हम हिंदुस्तानी है। हाँ। गर्व है हम हिंदुस्तानी है। हाँ। पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान का नारा लगा, क्या मस्त मूवी है, बर्लिन 100%। वो एक डायलॉग सुना दीजिए। है हमारा हिंदू जिंदाबाद था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा, 100% मेरी तरफ से लाइक है। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान से एक सकीना और लेके आ गए जी, तार सिंह, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए सकीना ही लेके आए, वो भी सकीना ही है, अपने बेटे को बचाने के लिए गए थे पाकिस्तान, गए थे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके आए। पहले से भी बड़ी अच्छी मूवी है, सुपर सुपर हिट गदर 2, बहुत ही अच्छी फिल्म है और लाजवाब, बहुत लाजवाब। पहले भी इसी पे देखी थी पहला शो, और अब भी इसी पे देखा पहला शो ही। पहला शो, हाँ जी। कोई गाना सुना दीजिए। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते में ओ सड़क पे ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लाहौर आया, मैं उते दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। तारा सिंह इज बैक, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसी लगी? बहुत बेहतरीन, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट, और पूरी फैमिली को लेके आएंगे, और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान। सुनने में आ रहा है कि उनका बेटा अपने
उनका जो पिता तारा सिंह जीतने के लिए वहां से सकीना लेकर आए जी। और सकीना के बाद अब दूसरी बहू भी आ गई है। हाँ जी बहू भी आ गई है, पहले उसका ननियाल था जीतने का, अब ससुराल भी हो गया है और अब पोता भी तैयारी करेगा। हाँ। और मैं भी जाऊंगा जी पाकिस्तान। जितने सब पाकिस्तानी और आज सकीना टाइम में यही चल रहा है, कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहा है, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहा है, जैसे कि सीमा हैदर और यूजर। अच्छा इसमें बोला जा रहा था जो सकीना है आखिर में क्लाइमैक्स में मर जाती है क्या? नहीं, गलत है बिल्कुल जी। वो अपने बेटे और अपने पति का इंतजार करती है और फिर वो हैप्पी एंडिंग होती है, आके मिलते हैं। तारा सिंह अपने बेटे को लेके आता है सही सलामत, हैप्पी एंडिंग। और बहुत बढ़िया मूवी जी, मैं कह रहा हूँ पूरी फैमिली को देखनी चाहिए ये मूवी और पूरे देशवासियों को देखनी चाहिए, और जज्बा जगाती है देशभक्ति का दिल में। जी जी बिल्कुल जगा दिया बिल्कुल, रोंगटे खड़े कर दिए मूवी ने। पहले बर्मा उखाड़ा था और अब खंबा उखाड़ा है, अब खंबा उखाड़ा जी। कैसा लगा देखके खंबा उखाड़ा? जी बिल्कुल, वहाँ की मतलब पहले तो हेडपंप ले आए थे और अब पूरी इलेक्ट्रिसिटी लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई डायलॉग बता दीजिए। अगर कटोरा मांग, कटोरा हाथ में लेके भी भीख मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी। तारा सिंह इज बैक। तो ये था जुनून गदर 2 को लेकर दर्शकों का, देशभक्ति की मूवी है, दर्शकों का कहना है खुद भी आइए और अपने परिवार को लेकर आइए, देशभक्ति का जज्बा जगा दिया है गदर 2 ने, गदर से भी ज्यादा सुपरहिट रहेगी ऐसा दर्शकों का कहना है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।